हाई एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और लीवर बाईपास के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम किसी ड्रग को लेते हैं, जैसे हमारे टैबलेट्स हो गए, ठीक है, हमारे कैप्सूल्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, इनको हम क्या लेते हैं, हमको इनको ओरल रूट से लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टैबलेट्स की बात करें, स्पेशली अगर टैबलेट्स की बात करें, तो टैबलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरल रूट से इनको लेते हैं, ठीक है। तो टैबलेट्स को लेने के बाद में क्या होता है कि टैबलेट जो है हमारी, सबसे पहले हम लोगों ने ली, उसके बाद में वो सबसे पहले हमारी GIT में पहुंचती है, ठीक है। सपोज दिस इज़ योर GIT, उसके बाद में GIT में जाने के बाद जो हमारी टैबलेट है वो हमारी जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये हमारा हो गया GIT एंड दिस वन इज़ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा GIT होती है, यहाँ पे वेन सप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पे जो वेन सप्लाई होती है, ऐसे वेन सप्लाई होती है, इस वेन को हम लोग बोलते हैं स्प्लेनिक वेन, SPHLENIC स्प्लेनिक वेन, ठीक है। और यहाँ पे दो, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे दो वेन्स की सप्लाई होती है। एक होती है इन्फीरियर मीजोसेंट्रिक वेन और दूसरी जो होती है वो होती है सुपीरियर मीजोसेंट्रिक वेन, ठीक है। ये जो तीनों वेन्स होती है, ये जाके हमारी कहाँ ओपन होती है, ये एक सिंगल वेन में ओपन होती है, ठीक है। एक सिंगल वेन में ओपन होती है, और ये जो जहाँ पे सिंगल वेन में ओपन होती है, ये वाली जो वेन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। उसके बाद में जो पोर्टल वेन होती है, ये जाके हमारे जो हमारा लीवर है, ये वहाँ जाके ओपन होती है, दिस इज़ आवर लीवर, ठीक है। उसके बाद में लीवर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, सपोज़ कोई हमने ड्रग ली है, तो हमारी ड्रग जो है सबसे पहले क्या आएगी, हमारी ड्रग जो है वो सबसे पहले आएगी हमारे GIT में, ठीक है। GIT में आने के बाद अगर वो ड्रग जो है वो एसिडिक है, तो उसका GIT के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अगर हम लोग एसिडिक ड्रग लेते हैं, तो उसका GIT के थ्रू एब्जॉर्प्शन, यहाँ आई ड्रग और यहाँ से फिर यहाँ पे इसका मूवमेंट होगा, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इस वाले वेन में चली जाएगी, ठीक है। ये स्प्लेनिक वेन है हमारा, तो ये ड्रग इसके थ्रू चली जाएगी। मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना है, तो मैं लिंक जो है उसका वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो हमारी जो ड्रग है वो GIT से यहाँ पे GIT में आई पहले, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हुए हमारे स्प्लेनिक वेन में चली गई, ठीक है। अब जो स्प्लेनिक वेन है, इसमें जाने के बाद क्या होता है कि जो ड्रग है स्प्लेनिक वेन से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए ये पोर्टल वेन में चली जाएगी ड्रग। पोर्टल वेन में जाने के बाद ये लीवर में चली जाएगी, और लीवर में जाने के बाद जो कुछ अमाउंट में जो ड्रग है वो हमारी उस ड्रग का ऑल्टरेशन हो जाएगा, यानी कि ड्रग जो है या फिर तो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर उसमें कोई ना कोई ऑल्टरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पहले वाले फॉर्म में नहीं रहेगी। अगर पहले वाले फॉर्म में नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से हमको उसका जो हमको जो उसका एक्शन मिल रहा था, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ड्रग में चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। पूरी की पूरी ड्रग चेंज नहीं होती, कुछ अमाउंट में ड्रग जो है वो चेंज होती है, ठीक है। सपोज अगर हम लोगों ने 500 mg यहाँ पे ली है, ठीक है, तो पहले मैं समझाती हूँ कि जैसे अगर हम लोगों ने पहले मैंने बता दिया कि अगर एसिडिक ड्रग होगी तो यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर बेसिक ड्रग होगी तो यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ये जो हमारी ड्रग है, ये इन्फीरियर मीजोसेंट्रिक वेन में और सुपीरियर मीजोसेंट्रिक वेन में ये जाएगी, ठीक है। ये वाली जो है, ये ऊपर वाली, ये सुपीरियर मीजोसेंट्रिक वेन है, और नीचे वाली जो है वो इन्फीरियर मीजोसेंट्रिक वेन है। तो यहाँ से ये ड्रग से पास होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे आई ये ड्रग, तो कुछ ड्रग तो यहाँ पे चली गई, अगर एसिडिक ड्रग थी तो कुछ ड्रग यहाँ पे चली गई, और कुछ अमाउंट में जो ड्रग है वो डायरेक्टली ऐसे पास होते हुए, यहाँ से ऐसे पास होते हुए डायरेक्टली कहाँ चली गई, डायरेक्टली हमारे फीसेस से एक्सक्रीट हो गई, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में चली गई डायरेक्ट। और यहाँ से भी ऐसा ही हो गया, अगर कोई ड्रग बेसिक है तो वो यहाँ से आई पहले, यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हुआ, यहाँ पे आई कुछ अमाउंट में, तो यहाँ पे इसका यहाँ से ये वेन्स में चली गई, जबकि कुछ अमाउंट में जो है वो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो गई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि GIT की तरह जाएगी, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ऐसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ऐसे जाके यहाँ से पास होते हुए ये पोर्टल वेन में चली जाएगी। पोर्टल वेन में जाने के बाद ये लीवर में जाएगी, लीवर में जाने के बाद इस ड्रग के कुछ अमाउंट में चेंजेस होंगे, और उसके बाद लीवर के बाद ये जाएगी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद में ये जाएगी अपने साइट ऑफ एक्शन में, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोगों ने 500 mg ड्रग ली है, ठीक है, उसमें से क्या हुआ है कि हमारी, मान लो हम लोग मान लेते हैं कि हमारी 75 mg जो ड्रग है वो हमारी एक्सक्रीट हो गई है, ठीक है, 75 mg एक्सक्रीट हो गई। अब सपोज 100 mg मान लेते हैं हम लोग सिर्फ मान के चल रहे हैं, अगर हम लोग 100 मान लेंगे ना, तो हमको ऐसे सही रहेगा, 100 mg जो है वो हमारी फीसेस में डायरेक्टली एक्सक्रीट हो गई, बच्ची कितनी 400 mg। तो ये 400 mg या तो यहाँ से इधर गई, या फिर यहाँ से इधर गई, ठीक है। 400 mg आई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 400 mg आई, यहाँ पे भी हमारे पास आई 400 mg, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये 400 mg ड्रग आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पे आने के बाद में ड्रग में कुछ चेंज भी होगा, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि ड्रग में कुछ चेंज होगा, उसके उसमें कुछ ऑल्टरेशन होगा, तो ड्रग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने 400 यहाँ से ली, तो सपोज करेंगे 200 mg जो ड्रग थी उसका क्या हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, तो हमारे पास कितनी बची, 200 mg ड्रग हमारे पास बची है, ठीक है। 200 का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो गया, और 200 mg हमको ड्रग मिली, ठीक है। लीवर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी ड्रग जाएगी, 200 mg जाएगी ड्रग, ठीक है। तो ये हमारा है
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ड्रग जो है जब भी लीवर के थ्रू हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है तो कुछ अमाउंट में जो ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और अगर ड्रग जो है वो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे लीवर में ना होते हुए डायरेक्टली अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवर बाईपास, ठीक है। यानी कि कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उस केस में नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ कि सपोज हमने कोई ड्रग ली, ड्रग जो है वो हमारी GIT में आई है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, यहाँ से इसके थ्रू इधर वेन्स में ट्रांसफर हुई, उसके बाद में ये पोर्टल वेन में जाएंगी, उसके बाद में 400 mg ये ड्रग आई है क्योंकि 100 mg जो है वो ऑलरेडी फीसिस के थ्रू डायरेक्टली एक्सक्रीट हो चुकी है। उसके बाद में ये हमारे लीवर में गई, लीवर में जाने के बाद कुछ 400 में से 200 mg जो है उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, 200 mg बची है, तो ये 200 mg जो है ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि हमारे ब्लड में पहुंचेगी, और उसके बाद ये ड्रग जो है वो हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, ठीक है। और अगर ड्रग जो है वो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर डायरेक्टली जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अगर डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि हमारे ब्लड में जा रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीवर बाईपास, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उस केस में नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग पेरेंटल डोजेस फॉर्म देते हैं, इंजेक्शंस होते हैं हमारे, तो उस केस में क्या होता है कि लीवर बाईपास होता है, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसमें नहीं होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।